हेलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, ये है मेरी मॉर्निंग की वीडियो। जब मैं सो के उठती हूँ तो मैंने ऐसे में फ़ोन चेक कर दी, तो मैंने सोचा मैं ये शूट कर लेती हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैं अपनी बेटी को, क्योंकि वो लेट उठती है, तो मैं उसको सोने दे रही थी और मैंने सोचा कि इसको अच्छे से कंबल उड़ा देती हूँ उठने से पहले। पर वो जो है बार बार कंबल से अपने जो पैर बाहर निकाल लेती है और वो पूरी रात ही ऐसे करती है, अब कंबल के ऊपर सोती है और मुझे बहुत परेशानी होती है। सोने में बिल्कुल भी नहीं उठती है और इसको पता नहीं बहुत गर्मी लगती है। तो मैं बस यही रहती हूँ कि उसको कंबल उड़ाती रहूँ ताकि उसको ठंड ना लग जाए। तो सभी के बच्चे खैर ऐसे करते हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि कंबल ओढ़ना पसंद ही नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। और गाइज, साथ में लेटे हैं मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी के, और ये मॉर्निंग की वीडियो है। तो गाइज, कैसे हैं आप सब। तो मुझे प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और कमेंट भी ज़रूर करना और लाइक करना। यार, लाइक कमेंट करने के, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है, तो प्लीज़ आप कर दिया करें, अच्छा लगेगा हमें और एक थोड़ी सी फेवर हो जाती है। तो प्लीज़ जो भी सब्सक्राइब करते हैं मुझे मेंशन कर दिया करिए कि हमने आपको सब्सक्राइब कर लिया है, और अच्छा लगता है आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो गाइज, यहाँ मैं कर रही हूँ अपना रूटीन शेयर आपसे। मॉर्निंग में उठ के हमने चाय वगैरह पी ली है और उसके बाद मैं अपना बेडशीट वगैरह मैंने बिछाई है, उसको अच्छे से ठीक कर रही हूँ। बेडशीट बिछाने में तो पूछो मत, मुझे इतनी दिक्कत होती, क्योंकि बच्चे जो हैं थोड़ी थोड़ी देर में बेडशीट ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मतलब एक तो ये बेडशीट पता नहीं क्यों छोटी आ गई है, और ये देखिए, ये जो सोफ़ा के जो कुशन कवर होते कुशन होते हैं, ये मेरी बेटी ने पीछे फेंक रखे थे और मैं कल से ढूंढ रही हूँ कि कहाँ हैं कहाँ हैं इस सोफ़े के हैं। तो ये मैंने अभी पीछे से निकाले हैं और मैंने उसको उसके बाद डांटा भी था मैं कि पीछे मत फेंका करो, वो बार बार पीछे फेंक देती है। खेलते हैं ना ये, एक दूसरे को मारते हैं तो बस उससे वो पीछे चल जाता है। ये देखो, मैं निकाल के एडजस्ट कर रही हूँ बेडशीट को, क्योंकि ये थोड़ी सी छोटी है बेडशीट। और ये देखिए, फाइनली मैंने यहाँ बेडशीट बिछा ली है। और गाइज, बताना आप लोग कैसे हो, अपना हालचाल मुझे बता दिया करें। और यहाँ देखो, मैं बिछा रही हूँ पिल्लो, पिल्लो कवर मैं उस पर डाल रही हूँ, और ये थोड़े से पिल्लो भी छोटे हैं क्योंकि बेडशीट छोटी है, तो इसलिए डालने में बहुत दिक्कत हो रहा था कवर को। एंड गाइज, आप मेरा रूटीन देखें और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, आप मेरे अपने हो, तो मैं सोचती हूँ मैं आपसे शेयर करूँ। और तो गाइज, अभी मेरे साथ कुछ पंगा चल रहा है, जो कि मेरी ही फैमिली वाले हैं कुछ। मेरी आप जानते होंगे, उनका चैनल है रिचा राजीव ब्लॉग, तो वो मेरे रिश्ते में मेरी ननंद लगती है, सिस्टर इन लॉ लगती है। तो वो कुछ भी इनडायरेक्टली मेरे बारे में बोल रही हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ, अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो, कि जो भी आपको बोलना है तो सामने बोलो, है ना, इनडायरेक्टली ना बोलो, नाम लेके बोलो। मेरा नाम तनु है तो तनु लेके नाम बोलो, शर्मा फैमिली ब्लॉग बोलो, ताकि मुझे समझ आए। आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो, मुझे तो समझ आ रहा है, पर आप मतलब समझा के भी समझाना नहीं चाह रहे हो। पर जो भी आप मेरे बारे में बोल रहे हो तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप सामने से बोलो, अगर आप यूट्यूब पे लाना चाहती हो तो ओके, ठीक है, मैं भी यूट्यूब पे आ जाऊँगी उस टॉपिक को लेकर। बाकी जो घर की बात है, घर में रहे तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप यूट्यूब पे ला रही हो तो ठीक है, तो मैं भी यूट्यूब पे अपनी जो भी बातें हैं, हमारी दोनों की जो भी बातें हुई हैं फ़ोन पे, मैं भी यूट्यूब पे सब शेयर कर दूंगी। तो इसमें मतलब देख लीजिए किस क्या है क्या नहीं, आप लाना चाहते हो कि नहीं। जहाँ तक मेरा है, मतलब जो मेरा दिमाग कह रहा है कि हमें YouTube पे अपनी जो भी बातें हैं फैमिली की, क्योंकि आप मेरे रिश्ते में ननंद लगते हो, हमें नहीं लाना चाहिए। अगर आप फिर भी अगर नहीं मानते हो, अगर लाना चाहते हो तो ठीक है, अगर आप एक करोगे तो मैं चार करूँगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैंने आपकी दो तीन वीडियो देखी है बट मैं चुप हूँ, पर आप फिर भी नहीं अगर रुकोगे ना तो फिर आप देख लेना, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। हम सोचते हैं हमारा रिश्ता ऐसे बने रहे, आप बेफालतू में अगर झूठे ब्लेम लगाओगे किसी चीज़ के तो वो मुझे पसंद नहीं है। हमारी थोड़ी सी बात हुई थी फ़ोन पे, आपने इतना लंबा लेके उसको यूट्यूब पे ला दिया। अगर हमारी कोई आर्गुमेंट हुई है तो आप मेरे से बात करिए, मेरे को डायरेक्ट बोलिए। अगर आप अपनी वीडियो पे उस चीज़ को बोल रहे हो तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ अभी आपको, तो मैं अभी आपको बहुत पोलाइटली और बहुत प्यार से कह रही हूँ, क्योंकि आप मेरी नंद हैं। और अभी आपका मतलब आपके हस्बैंड की डेथ हुई है, अभी आप बहुत अकेले हो,
और आपको बहुत बड़ा झटका भी लगा है, तो इसलिए मैं आपको बहुत प्यार से समझा रही हूँ कि आप अपने जो भी अपना निजी मैटर है उसको आप अपना पर्सनल रखें, यूट्यूब पे ना लाएं। अगर आप यूट्यूब पे लाओगे तो आपके लिए भी ठीक नहीं है, ठीक है? तो गाइज़ बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि कुछ मेरे रिश्तेदार हैं जो मेरे पीछे पड़ गए हैं हाथ धो के, मन मेरे को कुछ कुछ बोल रहे हैं। मैं आगे भी आपको बताऊंगी अगर उन्होंने कोई बात करी तो, क्योंकि वो यूट्यूब पे वो खुद लेके आई हैं। तो मैं भी सोच रही हूँ कि पहले मैंने कुछ बातें सुनी तो मैं चुप थी कि वो शायद मुझे कह रही हैं, पर वो मुझे ही कह रही हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी है। तो गाइज़ मैंने आपसे शेयर किया, अगर आपको मेरी ये बात बुरी लग रही है तो आई एम सॉरी, क्योंकि मैं उनको ही कहना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ व्यूवर हैं जो उनकी तरफ जाते हैं वो मेरे भी हैं फ्रेंड, तो उनको भी कुछ गलत फहमी ना हो, तो मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि रिचा और मेरा कुछ थोड़ा सा फ़ोन पे आर्गुमेंट हुआ था, तो उसकी वजह से वो यूट्यूब पे बोल रही है। तो रिचा राजी व्लॉग है उनके चैनल का नाम, तो आप लोग देखना चाहें तो देखना उनकी वीडियो पे उन्होंने मुझे क्या बोला है। एंड बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही उनके लिए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कोई भी घर की बात हम यूट्यूब पे लाएं। एंड गाइस देखिए यहाँ पर मेरा क्लीनिंग हो गया है, मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है और मैं आपसे अपना शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो गाइस जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता, फ्री है, तो प्लीज़ आप कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, आप मेरे ब्लॉग को देखा, थैंक यू सो मच। तो यहाँ देखिए मैं बना रही हूँ पूड़ी आलू, मैंने बनाए हैं बच्चों का था कि मुझे हमें खाने हैं पूड़ी और आलू, आलू पूड़ी खाने हैं, तो मैंने आलू पूड़ी उनके लिए बनाया है। देखिए आलू पूड़ी है, आलू की सब्जी है रसा वाली, और मैंने पूड़ी बनाई है। तो गाइज़ बताना किस किस को पसंद है आलू पूड़ी। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहें, मेरी वीडियो को वॉच करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे काफ़ी लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, मैं सोचती हूँ उनके कमेंट में आप लोगों को एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, जो कि मेरे फेवरेट व्यूवर हैं, मैं उनका नाम अपनी वीडियो में लूँगी, ज़रूर लूँगी। मैं बस थोड़ा वेट कर रही हूँ कि देखती हूँ किसके और अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, तो मैं अपनी वीडियो पे उनका नाम लेके उनको धन्यवाद करूँगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।